सब्सक्राइब कीजिए मनोरंजन मसाला को और इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी बेस्ट फनी पहेलियां बताने वाली हूं कि जिनके जवाब शायद ही आपको पता हो और ये पहेलियां आपके मनोरंजन को दुगना करने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं वह बेस्ट फनी पहेलियां। पहेली नंबर वन, वह कौन सी चीज है जिसे आप साल में सिर्फ एक बार खरीदते हो और पूरे साल इस्तेमाल करते हो और बाद में फेंक देते हो। तो दोस्तों जरा सोचो सोचो और इस पहेली का सही जवाब दो। तो दोस्तों पता चला क्या आपको कि वह कौन सी चीज है? नहीं आया यार। अरे यार उसका सही जवाब है कैलेंडर यानी दिनदर्शिका। दोस्तों कैलेंडर को हम साल में सिर्फ एक बार खरीदते हैं और पूरे साल इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में फेंक देते हैं। पहली नंबर टू, एक घर में सात मोमबत्तियां जल रही है, अगर आपने उसमें से दो मोमबत्तियां बुझा दी तो बताइए कि कितनी मोमबत्तियां बचेंगी। तो दोस्तों देखते हैं भाई कि आपका लॉजिकल मैथ कितना पक्का है। तो दोस्तों आया क्या आपको इसका जवाब कि कितनी मोमबत्तियां बचेंगी? नहीं आया यार। अरे यार यह तो कॉमन सेंस की बात थी कि सिर्फ दो ही मोमबत्तियां बचेंगी ना। दोस्तों सात मोमबत्तियां जल रही थी, आपने दो मोमबत्ती बुझा दी तो भाई पांच मोमबत्ती जलकर खत्म हो गई ना, तो सिर्फ दो ही मोमबत्ती बचेंगी ना। पहली नंबर थ्री, एक ऐसा नाम बताइए जो हिंदी इंग्लिश और मैथ इन तीनों का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। तो दोस्तों भाई ये तीनों भी लैंग्वेज आपको आती है, तो देखते हैं कि आप यह सही गेस कर पाते हो या नहीं। तो दोस्तों पता चला क्या आपको कि वह कौन सा नाम है जो हिंदी इंग्लिश और मैथ इन तीनों का इस्तेमाल करके लिखा जाता है? नहीं आया यार। अरे यार उसका सही जवाब है विनोद। पहली नंबर फोर, शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को फूलों का ही हार क्यों पहनाते हैं? दोस्तों मुझे पता है भाई, कंवारे तो क्या शादीशुदा भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। यदि दोस्तों आप में से किसी को इस सवाल का जवाब आता हो तो वह मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस फनी पहेली के दो जवाब है। पहला जवाब यह है कि दुल्हन फूलों की माला पहनाते समय मन ही मन कहती है कि बेटा अब तेरी खैर नहीं, तू हलाल होने वाला है। तो दूल्हा मन ही मन कहता है कि आज से तू मेरे घर की रानी है मगर घर मेरा है। तो भाई दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे। दोस्तों इसका दूसरा फनी जवाब यह है कि फूल बड़े नाजुक होते हैं और दूल्हा दुल्हन शादी के दिन फूलों की माला इसलिए पहनाते हैं कि भाई उनका रिश्ता भी फूलों की तरह नाजुक होता है। जिंदगी में अब कुछ भी हो जाए, लाइफ के एंडिंग तक बस एक दूसरे को इन फूलों की तरह झेलते ही रहना है। दोस्तों मनोरंजन मसाला का
उद्देश्य ही यह है कि आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। तो आपके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगी। हर दोस्त से बात करना फितरत है हमारी, हर दोस्त सदा खुश रहे, बस यही दुआ है हमारी। आप चाहे मनोरंजन मसाला को याद करो या ना करो, मगर आप सभी को हंसाते रहना आदत है हमारी। आप सभी को हंसाते रहना आदत है हमारी। यदि दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।